हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग समझते होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी समझते हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में और टाइम हो रहा है 7:30। आज जा रहे हैं हम बच्चों के स्कूल, सब नहा धो के तैयार होके बैठे हैं। मेरा नाश्ता बन रहा है, नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज अप्पम। और फिर क्योंकि रावत जी ने बोला कि आज वो लंच के लिए घर पर आएंगे, तो फिर लंच स्कूल से आके फिर बनाऊँगी। 2 बजे तक आओगे ना? 2 बजे तक आएंगे। तो अन्य आज बोल रहे, कल रात को बोल रही थी, मैंने बोला मम्मी पार्टी होगी, पास हो जाएंगे। मैंने कहा पास तो हो जाओगे, लेकिन पार्टी तो तब होगी ना जब 95% आएगी। अन्य बोले नहीं नहीं 95 कैसे आएगी, पेपर तो मेरा 80 मार्क्स का था। पेपर मम्मा मेरा पेपर तो 80 मार्क्स का था, तो 95 कहाँ से आएंगे, मुश्किल लग रहा है मुझे। तो पार्टी, मैंने कहा नहीं फिर पार्टी तो होगी ही नहीं ना। मानो पेपर तो आपका 80 मार्क्स का था ना। दोनों भाई बहनों ने पहने येलो कलर के कपड़े। आन्या पास हो जाओगी? नहीं जा रही है। नहीं नहीं बोल तो लो। आ रहा भाई, आते पापा ने तुझे कैसे चपोड़ रखा है ये। इधर देख, इधर देखो, पास हो जाओगे हैं? आने आप पास हो जाएगी पक्का? ने पक्का 100%? Yeah! 100% आने पास हो जाएगी, लेकिन मार्क्स मैं पार्टी तभी दूंगी जब आने की 95% आएगी। तो पापा एक तब हमारा हम पास होंगे तो पापा उसकी पार्टी देंगे। पहुंच गए दोस्तों घर पे और गर्मी इतनी है। तो चलो दोस्तों तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, बैग भी ले रही हूँ मैं। आज वैसे बुक्स भी मिलनी हैं, तो अगर जल्दी मिल जाएंगी बुक्स तो बुक्स ले लेंगे, नहीं तो कल सुबह फिर से आना पड़ेगा। आज रावत जी नहीं तो कंपनी के लिए लेट हो जाएंगे, कंपनी टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी है। तो पहले ना हनुमान मंदिर आए हैं, क्योंकि अभी स्कूल ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 8:30 हो रहा है टाइम। तो हमने सोचा क्यों ना हम पहले हनुमान दादा के दर्शन कर लें, आज सैटरडे भी है। गुड मॉर्निंग मैम। थर्ड स्टैंडर्ड में चली गई? हाँ है, थर्ड स्टैंडर्ड इधर ही है क्या? इधर तो इधर ही थर्ड है ना। अब देखते हैं आरव का रिजल्ट, आन्या का तो हो गई पार्टी डन, मोती महल जाने के लिए है ना। आन्या का था कि मोती महल जाएगी पार्टी के लिए ना। गुड मॉर्निंग मैम। सिक्स स्टैंडर्ड में गुजराती और संस्कृत क्या लिया है आपने? अरे क्या लेना है बेटा? गुजराती
गुजराती। कैसा लग रहा है अन्या? दोस्तों पीटीएम हो गया है और निकलते हैं हम घर के लिए। 9:05 हो गया है टाइम, 6 बजे को जाना है ड्यूटी, तो हम बुक्स आज नहीं लेंगे, बुक्स के लिए हम कल आएंगे। तो हम घर पहुंच गए और रावजी गए ऊपर बैग लेने, और मैंने कहा अन्या के आए हैं 95.25% और आरब के आए हैं 86 है ना, आरब के आए हैं 86, क्योंकि ना आरब की गुजराती और हिंदी 86.78 शायद, I mean 57। तो आरब को ना गुजराती और हिंदी में आरब के बहुत कम मार्क्स कटे, गुजराती में तो कुछ ज़्यादा ही हैं। B1 आया आरब का गुजराती में। तो दोनों बच्चे पास हो रखे हैं, तो मिठाई तो बनती है, तो अभी हम जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए। और आरब की मैडम बहुत तारीफ कर रही थी मैथ की मैडम, क्योंकि आरब का जो उसका किसका ओलंपियाड सेकंड लेवल का भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो अभी मैडम ने बोला कि हम स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं होता है 2 बजे तक, तो 2 बजे के बाद मैडम मुझे उसका रिपोर्ट कार्ड जो ओलंपियाड का है मुझे वो भेजेगी, क्योंकि बहुत अच्छा ही आया था, तारीफ कर रही थी मैडम उसकी। तो जब मैडम रिपोर्ट कार्ड भेजेगी ओलंपियाड का, तो देखते हैं फिर कैसा है रिजल्ट। लिंक तो मैडम ने हमें भेजा था, लेकिन वो ना ओपन नहीं हो रहा है। तो मैडम के पास आ चुका है रिजल्ट ओलंपियाड का। कोई नहीं, हिंदी और गुजराती, गुजराती अभी आरब ने क्या किया कि गुजराती अब ऑप्शन था उसके पास संस्कृत का और उसका क्या नाम है गुजराती का, तो आरब ने अभी गुजराती किया है कि मैं गुजराती पढ़ूँगा। नहीं नहीं नहीं, चल चल आप, तो हम जा रहे हैं मिठाई लेने। आने बैग पकड़ो, बैग तो पापा को बाय। एक ही ले रहा हूँ। कंट्रोल ज्वाइन करते चल रख ली क्या ये ले रही हूँ, टूटे तो नहीं रहे। अन्या आ गई है शॉपिंग करके, आ गए बेचारे दोनों धूप में। चलो आ जाओ ऊपर। दोस्तों हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बने रहना हमारे साथ में। तो ये है अन्या का रिपोर्ट कार्ड, ये हाफ पेली के मार्क्स हैं 80 में से, हिंदी में भी पूरे मार्क्स लेके आई है, और इसमें इंग्लिश में भी पूरे लेके आई है, मैथ में 4 नंबर कटे हैं, EVS में 6 नंबर कटे हैं, गुजराती में 5 नंबर कटे हैं, कंप्यूटर में 1 नंबर कटा है, और ये इसके उसके नंबर हैं फाइनल एनुअल एग्ज़ाम के। तो एनुअल एग्ज़ाम में 80, इसमें भी कटे हैं मार्क्स, 15 नंबर कटे इंग्लिश में, मैथ में भी पिछली बार भी सेम मार्क्स से, EVS में इस बार 1 ही नंबर कटा है एनुअल में, इसमें 73, 78, 79, तो 9
25% आया है ऑल ओवर ग्रेड, जो है वो A2 आया है। ये आन्या का रिपोर्ट कार्ड, ये है आरब का रिपोर्ट कार्ड। इंग्लिश, इंग्लिश में यहाँ पे ली में आए थे उसके 78, मैथ में 67, साइंस में 70, गुजराती में 69, हिंदी में सबसे कम हिंदी में आए थे 41, 78 सोशल साइंस में, और एक कंप्यूटर में 79। और इस बार का जो है ये है, इस बार उसके यहाँ आ गए एक गुजराती और हिंदी में ही दोनों जगह उसके हाफ ईयरली में आए उसके हिंदी में ख़राब, इस बार आए उसके गुजराती में ख़राब नंबर। तो उसका परसेंटेज हो गया है 86.57, 1400 में से 1200 मार्क्स। और ओलंपियाड के लिए मैं कुछ और बता रही थी ना, ओलंपियाड में बता रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं, मैडम ने बोला है कि उसका 60% के आसपास लेके आया है, 60% उसका आया है सेकंड लेवल में। और यहाँ पे भी मैंने बच्चों का स्कूल एडमिशन जून में करवाया था, 21 या 22 जून को, तो और उससे पहले भी बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो उस हिसाब से तो ठीक है, बुरा नहीं है, दोनों का रिजल्ट सही आया है। तो हम लेके आए हैं लड्डू, और पहले लड्डू चढ़ाएंगे हम भगवान जी को। तो भगवान जी को पहले लड्डू चढ़ाओ, चलो भगवान जी को पहले मिठाई दो। बस बस तीन रख रही हूँ, तीन नहीं रखते, फिर एक और रखो। बस बस वहीं पे रखो। हो गया, चलाऊंगी अब मेरी भगवान को चला, कुछ भी चढ़ाते हैं भगवान जी को, रिपोर्ट का दाया है, इसलिए आपके लिए मिठाई है। तो ये केवल अन्य का मुँह मीठा, और ये करूँगी मैं भैया का मुँह मीठा। थैंक यू आरा, थैंक यू अन्या, वेलकम वेलकम। दोस्तों मैं लगती हूँ अपने काम पे, अभी राव जी आज लंच के लिए आएंगे घर पे, और आन्या मुँह मीठा किए जा रही है। तो मैं ना आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।